गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सुल्तान ट्रेनर्स, जो पहले 20-22 दिन पहले जहां पर हम लोगों ने यहां पर पौधों में छिड़काव किए थे, उसका रिज़ल्ट हम लोग देखने के लिए आ चुके हैं। हमारे पास सामने हैं राम कुमार जी। और राम कुमार जी, आपने ये कब यूज़ किया था इसका? 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए आपके इस गार्डन के। तो पहले चलिए हम लोग गार्डन का रिज़ल्ट देख लेते हैं। पीछे रिज़ल्ट हमने भेजा था आपको। ये पत्तों में साइनिंग आप देख सकते हैं, जो हमारे एग्री प्रोडक्ट का यूज़ हुआ है इसमें, वेस्टीज़ का और जैविक का। इतना शानदार रिज़ल्ट है और एक बेहतर डोज का जो कम्बिनेशंस है यहाँ पर, जो पिछला जो हम लोगों ने वीडियो से उसमें दिया था, तो उसमें पौधे का जो केसेस था वो काफ़ी जर्जर हो चुका था। और अभी आप देख रहे हैं कि बाहर कितनी धूप है, लेकिन उस पर भी जो ग्रीनिश जो है पूरे गार्डन में आपको दिख रही होगी। ये सारे पौधे आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको पूरे इनके गार्डन को मैं घुमाने वाला हूँ। सुल्तान जी का गार्डन वैसे भी कानपुर में काफ़ी फेमस है, और इस पर ये रिज़ल्ट देख करके वो भी काफ़ी खुश हुए। इनकी ऐसी टोटल जो है 6 बंगले हैं, जहाँ बड़े बड़े गार्डन्स हैं इनके। ये देखिए, पूरा पौधा ग्रीनिश हो चुका है। लाजवाब रिज़ल्ट है हमारे इस वेस्टीज़ के एग्री प्रोडक्ट का। इसमें जो है वो लगभग सारे प्रोडक्ट का यूज़ हुआ है, जिसमें कि ग्रैनुअल आता है आपका, एग्री एटीट्यू आता है, ह्यूमिक आता है, मोश आता है, गोल्ड आता है। तो इन प्रोडक्टों का यहाँ पर यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं ये सब लगभग सूख चुके थे उस समय। अगर पुरानी वीडियो अगर आप देख पाए, मैंने ग्रुप में डाला है। और ये बिल्कुल शानदार, बिल्कुल ग्रीनिश, पूरा लोकेशन ग्रीनिश है। और मैं अभी इनके गुलाबों का जो एरिया, जहाँ इन्होंने गुलाब लगाई है, हम लोग वहाँ अभी चल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। ये सब चीज़ों पर इनकी पूरी भरपूर छिड़काव हुई है और डिमांड भी बड़ी है रिज़ल्ट बेहतर आने पे। और इन, क्योंकि आज ईद है, तो इनको स्पेशल बख्शीस मिली है मेंटेनेंस ऑफ गार्डन। और इनको मोस्ट फेवरेट गार्डनर के रूप में भी सेलेक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत हरा भरा गार्डन है, नए नए पत्तियाँ जो हैं बिल्कुल निकल रहे हैं। ये बंगले के पीछे का लुक्स है, देख सकते हैं। ये जो गुलाब का फूल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल उस समय छोटे सूखे हुए थे। और अभी आप देख सकते हैं इसमें फूल भी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। ये ब्लैक रोज़ इसको कहते हैं, ये ब्लैक रोज़ है। फूलों की तादाद बिल्कुल बढ़ चुकी है और शानदार ये गुलाब का है। और ये पौधा लगभग डेड हो चुका था, मर चुका था, और वहाँ पर ये सरवाइव कर गया, लाइफ इसकी बन गई। और फिर लास्ट ये थोड़ा सा ये जो चीज़ है वो साइड का लगा रहे हैं। अब ये न्यू ग्रास यहाँ पर लगाई गई है, न्यू घास यहाँ पर लगाई गई है लैंड में। तो आने वाले समय में भी यहाँ पर भी हमारा एक वेस्टीज प्रोडक्ट यूज़ होगा और वो अपना रिज़ल्ट यहाँ पर देगा। सो आप देख रहे हैं बहुत बड़े गार्डन में इसका यूज़ हुआ है, बहुत बड़ा बंगला है। ये वो पेड़ है जहाँ पर कभी फूल नहीं आए थे पिछले 8 साल में। तो पहली बार, जैसे राम कुमार जी बता रहे हैं कि इसमें भी फ्लावर आ चुका था, जो अभी नहीं है। मालिक ये देख कर काफ़ी खुश भी हुए थे, देख पा रहे हैं आप, बहुत शानदार लीव्स पपी सारे हैं। अब हम लोग बिल्कुल बंगले के बैक साइड में हैं, और यहाँ पर जो फ्लावर का जो केस है वो गुड़हल का फूल है, जिसमें कि कलियाँ लगभग इस तरह का पौधा था, ये आप देख रहे हैं। और वो लगभग ऐसा चेंज हो चुका है बिल्कुल लाइक दिस। और इसमें भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट अभी स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, फ्लावरिंग का रेशियो काफ़ी बढ़ चुका है। तो बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आया है। अब ये चीज़ें हैं कि टाइम जो है
वो क्लियर होना चाहिए कि किस टाइम पे हमको क्या चीज़ का यूज़ करना है। देखिए इस फ्लावर्स को देख करके गार्डन के मालिक बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं कि जो बिल्कुल जर्जर हाल थी इस गार्डन की, पत्तियां सूख रही थी, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूरिया DAP भी यूज़ हुआ है लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, और वहाँ पर देखिए नई नई कलियाँ पत्तियाँ सब निकल रही हैं और बिल्कुल शानदार तरीके से ये देख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि मिट्टी में अगर कोई पौधा लगा है तो उसके लिए उतना चैलेंज नहीं होता जितना चैलेंज गमलों के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पर एवरीथिंग्स वी हैव टू मेंटेन, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स और जो खाद होते हैं उसको प्रॉपर टाइम पे हमको देना होता है, और वहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बिल्कुल चैलेंजफुल नहीं है। बस उसका सही तरीका हमें मालूम होना चाहिए, डोज मालूम होना चाहिए और रिज़ल्ट आपका आपके सामने आएगा। ऐसा नहीं है पूरे बंगले इसी तरह की हरियाली से भर गई है। हम इस गार्डन को देख पा रहे हैं, पत्तियां देखिए बिल्कुल हरी हो गई, सूखी हुई थी। अब ये ऊपर का लोकेशन आप देख सकते हैं, ऊपर के जो पौधे आपको दिख रहे होंगे जिसको मैं दिखा रहा हूँ वो लगभग डेड हो चुके थे, मर चुके थे, लेकिन वहाँ देखिए सुंदर सुंदर फ्लावर और फूल्स आ गए ऊपर। ये देख सकते हैं बिल्कुल शाइनिंग है पत्तियों में, बिल्कुल चमक है, बहुत तेज चमक है, फ्लावर आप देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार गार्डन कन्वर्ट हो चुका है और बहुत ही सही रिज़ल्ट आया है, दैट्स वाई यहाँ पर डिमांड्स भी बहुत अच्छी आई है।